अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबका स्वागत है अफरो रेसिपी व्लॉग में। तो बताओ मैं आज किस बारे में अपना व्लॉग बन रहा है। तो आज मैं जा रही हूँ बॉम्बे भेंडी बाजार अच्छा कुछ सामान लेने के लिए। जैसे कि मेरे पास में तो बहुत सारे बर्तन रखे हुए, फिर भी कैसा है ना, बकरा ईद आती है तो या रमजान आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ नया खरीदूं। तो मुझे कुछ ना अलग टाइप की रेसिपी बनानी है, तो इसीलिए मुझे वो अलग टाइप का बर्तन चाहिए। ऐसे तो मेरे पास में मेरे जो किचन का कोटमाला है उसके ऊपर इतने सारे बर्तन जमा है, मैं निकाल निकाल के उसमें भी बनाती रहती हूँ। मगर अभी रेसिपी स्टार्ट करने वाली हूँ ना, तो मुझे कुछ ना इसका लेना है, क्या बोलते लाला उसको, लोखंड बिल का नहीं, लोखंड लोखंड का कैसा लेना है, बड़ी वाली कढ़ाई लेनी है और तवा लेना है बड़ा वाला, और वो अपनी दराती खराब हो गई है, बम्बई में दराती भी मिल जाएगी अच्छी वाली दराती, गोश्त भी साफ करने के लिए दराती लेना है मुझे, और मुझे और कुछ ऐसा पैन जैसा एक आता है ऐसा, उसके अंदर कुछ भी सूखा बीका ऐसा बनाते, भेजा बीजा बनाते वैसा कुछ, हाँ बिरदा बनाते वैसा बनाते, वो थोड़ा सामान। अम्मी के पास इतने सारे बर्तन है ना, फिर भी अम्मी को बर्तन कम पड़ते हैं। बर्तन के ना कलेक्शन है, कलेक्शन अलग अलग टाइप के बर्तन है हमले के पास, किसके हो तांबे के, पित्तल के, डेग है बड़ा वाला, सब है मम्मी के पास। अजमेर से भी लेके आए थे बर्तन, वो भी बर्तन रखे हुए हैं, कलेक्शन है मतलब एकदम अम्मी का। बहुत लोग का अलग अलग शौक रहता है कलेक्शन का, किसी का कॉइन का रहता है, नोट का रहता है, अम्मी का बर्तन और चप्पल, चप्पल भी बोलते हैं, पर्स 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 भी बोलते हैं अम्मी का, पर्स के कलेक्शन भी बोलते है ना। तो क्या बोलना चाहते हैं, निकलते हैं, निकलो, बहुत टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया, 6 बजने हैं, पहुंचते पहुंचते हम लोग 7 बजे का, ठीक है चलिए निकलते हैं, मिलते हैं आपको डायरेक्ट बॉम्बे में। तो चले गए, यहाँ पे थोड़ा प्लान में अभी चेंज हो गया है, अभी मम्मी को पीने का है सूप और मैंने भी कुछ खाया नहीं हूँ, तो सोचे कि सबसे पहला चले जाएंगे हम लोग शालीमार, है ना, शालीमार में जाके मम्मी पी लेंगे सूप और मैं कुछ थोड़ा बड़ा थोड़ा मोरा स्टार्टर खा लूँगा, थोड़ा बहुत स्टार्टर खा लूँगा, खा लेना है ना। तुम कौन सा सूप पिएगे, क्लियर सूप, क्लियर सूप बोलने का है, हाँ। चिकन में क्लियर सूप चाहिए, चिकन का कैसा सूप लेगा पहले पूछेगा, नहीं तो फिर टमाटो सूप वगैरह कुछ भी मंगा देंगे। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ यहाँ पे मौसम देखो एकदम मस्त हो चुका है। तो चले गए, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं शालीमार होटल में, और यहाँ पे हम लोग ने ऑर्डर दिए चिकन, अम्मी के लिए दिए चिकन क्लियर सूप, और मैंने लिए मेरे दिया चिकन कोम पाव और एक तंदूरी रोटी। यहाँ पे आ चुका है मम्मी का चिकन क्लियर सूप, ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है, क्लियर सूप अभी पानी देता है, चिकन है इसके अंदर, मैं चिकन नहीं खाऊंगी, चिकन नहीं खा लूंगा, अभी चिकन खाने के लिए मना है, तो अभी सिर्फ सूप ही पीना है, बस खाली पानी पीना। यहाँ पे मेरा कोम पाव और तंदूरी रोटी आ चुका है। तो गाइस यहाँ पे अभी हम लोग आ चुके हैं भिंडी बाजार में बर्तन के दुकान पे, और यहाँ पे मम्मी ले रहे हैं अभी तवा और कढ़ाई लोखंड की, देखिए यहाँ पे मम्मी देख रहे हैं, अभी मम्मी बात कर रहे हैं कौन सा मम्मी को जमता है, अभी देखते हैं, देखिए पूरा इधर ये बर्तन की शॉप है, ऐसा ये पूरा लाइन ही ऐसा बर्तन की रहती है सर पूरा, ये देखिए ये बकरीद का टाइम है तो ये सब गोश्त की कुंदे भी लेके आके रखे सब, ये लोग ऐसा ही लोग काटते ना कुंदे, वो कुंदे भी ले जा के रहेगा। यहाँ पे मम्मी देख रहे हैं, मम्मी ने मास्क पहन लिया होगा मम्मी को लोग इधर परेशान ना करें इसलिए, और यहाँ पर मम्मी घर में बोल रहे थे ना कि इसमें गोश गोश काटने आसानी पड़ती है, तो ट्रैफिक कितनी होती है देखो इधर, इतने से गली में दोनों तरफ से गाड़ी आती जाती है, बाइक एक्टिवा सब, धार है नहीं, सीमा आपको लगाना है तो गाड़ी में लगाना पड़ेगा, इसमें लगाना चाहे इसमें लगाना पड़ता है ना, हाँ। इसमें तो चिकन में डायरेक्ट डालना पड़ता है, ये चिकन के लिए है, चिकन के लिए ठीक नहीं बैठेगी, पनीर के लिए, देखो अच्छा सब चीज़ के लिए अलग अलग खलिया रहती है क्या, मेरे पास में ये वाली भी है, खीरी कलेजी पनीर उसके लिए, ये अगर आपको सीख लगाने के लिए चाहिए तो इसमें चलेगा, सीख के लिए बड़ी लो ना फिर, ये लेग पीस के लिए भी है, ये यहाँ पे अभी अम्मी ने लिए है ये 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 और ये सलिया 6 और उधर रखा है वो तवा, वो घर पे जाके आराम से दिखाएगी अम्मी ने क्या क्या लिए, और सिप सिप में अम्मी इधर पानी पीते जा रहे। तो क्या यहाँ से अभी उधर से मम्मी ने अपने सब बर्तन ले लिया और वो बर्तन उसके पास ही रखे, बहुत हैवी है मम्मी, वो उठा के कैसे लेके जाएगी अपन कार तलक, मेरे को ही उठाना पड़ेगा।
और यहाँ से अभी मम्मी ले रहे हैं ये कौन से तानचीनी के कौन से बर्तन बोलते नाम तामचीनी अजमेर में ना मिलते हैं हाँ अजमेर से लाने थे एक दर्जन तो यहाँ से हम लोग ने मम्मी ने यहाँ से चार पांच टोप लिए लाइन से बड़े हुए यहाँ पे देखो सब नाम लिख रहे इसके ऊपर तो गाइस यहाँ पे अभी हमारे बर्तन की शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे देखिए ये जंबो और ये मैं कोट आगे लेके जाने का अभी ये सब अभी गाड़ी में डिग्गी में रख हाँ अभी गाड़ी में डिग्गी में रख देगी इधर से गाड़ी तक उठा के लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे हम आ गए हमारे गाड़ी के पास और यहाँ पे मैं पूरा उठा के लेके आया मेरे हाथ देखो लाल लाल हो गया एकदम मम्मी को उठाने नहीं दिया मैंने मैं उठा के रहा अरे मेरे को घर पे छोड़ के जाना पड़ेगा तुमको घर पे छोड़ूंगा अशरफ को बोलूंगा एक्टिवा लेके आए एक्टिवा पे रख के लेके जाएगा हाथ तो बोल तुम कैसा हो गया तुम भिंडी बाजार से ये शालीमार होटल तक लेके आए हाथ तो बोल मस्त शालीमार होटल के सामने हाँ ये शालीमार होटल है इसके सामने रोड क्रॉस करेंगे ना ये रोड क्रॉस करके उधर जाएंगे ना वो ब्लू कलर का ताड़पत्री दिख रही है उधर से अंदर घुसेंगे ना सीधा सीधा पहला बंगड़ी का मार्केट आएगा देरा रुको पहला बंगड़ी का मार्केट आएगा फिर बंगड़ी के मार्केट से सीधा अंदर जाने का पूरा बर्तन का मार्केट है हाँ वो अलग है जो हम लोग ने नया किचन बना था ना वो किचन का मार्केट अलग ये वाला मार्केट अलग बर्तन का तो अभी किधर जाने का इधर से अभी इधर जाएंगे ना प्रॉफिट मार्केट हाँ प्रॉफिट मार्केट से थोड़ा ड्राई फ्रूट वगैरह नमकीन ले लेंगे फिर जाएंगे तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं प्रॉफिट मार्केट में तो यहाँ पे मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है प्रॉफिट मार्केट बंद हो चुकी है अच्छा फ्रूट मार्केट बंद हो जाता है क्या तो अपना ड्राई फ्रूट का अंदर चालू रहेगा ना पक्का ना हाँ तो मम्मी बोल रहे पक्का तो फिर चालू रहे गाड़ी हम लोग ने उधर पार्किंग को लगा दिए एक घंटे के लिए 150 रुपया इधर अच्छा बिजनेस बना दिए ले पार्किंग का इधर अंदर जाएगी हम लोग देख रहे वो उधर उसके अंदर ये फ्रूट मार्केट है अंदर उसके बाजू में चले गाइस माशाल्लाह यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो गई खाली मेरे को ग्राफिक मार्केट में थोड़े मसाले नहीं मिले लेने के लिए तो कोई बात नहीं देखती हूँ मैं अगर मुझे इधर पे मिलेंगे टेशन बिशन के पास मिल गया तो ठीक है नहीं तो फिर कोरला में तो मिल ही जाएंगी कोरला से ले लूँगी मैं और बाकी सारा सामान मैंने तवा वगैरह जो भी मुझे चाहिए था मैंने वो सब ले ली घर पे जाके दिखाएगी आपको हाँ तवा वगैरह जैसे कि भुना बीना बनाने के लिए तवे पे मस्त एकदम भेजा बीजा गुद्दा बिरदा ये टाइप पे मस्त फर्स्ट क्लास रेसिपी दूंगी अलग अलग टाइप की आप लोग मेरी रेसिपी का इंतजार करना मगर है ना अफरोज़ आपा की रेसिपी आएगी सब गोश्त को बना मत देना बचा बचा के रखना अफरोज़ आपा बताएंगे तब हम बनाएंगे करके है ना यहाँ पे देखिए पीछे पूरा हमारा शॉपिंग करा हुआ पूरा सामान रखा है जम्बू थैली के अंदर सब रखा हुआ है एकदम मस्त में शॉपिंग हो गई हमारी कल गए थे डीमार्ट डीमार्ट में भी राशन वगैरह लिए आज ये शॉपिंग हो गई अब मम्मी इधर पी रहे मौसम भी यहाँ पे हम लोग ट्रैफिक पे फंसे बहुत देखते अभी कभी ट्रैफिक ये खत्म होगी तो ये मिलते हम डायरेक्ट आपको घर पे मैं तुमको घर पे छोड़ के गाड़ी पार्किंग करके आता हूँ ठीक है तो चले गाइस सारी शॉपिंग करके मैं अपने घर पे आ चुकी हूँ और मैंने क्या क्या लाई हूँ वो भी आप लोगों को बता देती हूँ इसमें सारे ज़रूरत के सामान ही मैंने लेके आई हूँ सबसे पहले मैंने ली हूँ यहाँ पे ये तामचीनी के बर्तन जो मुझे बहुत पसंद है और अजमेर में भी मिलते हैं तो मैंने एक बार अजमेर से लेके आई थी तो काफ़ी दिन उसे यूज़ की मैंने कम से कम मैंने उसे 2 से 3 साल तक का यूज़ की फिर उसके बाद में वो थोड़े जल्दी ख़राब नहीं होते फिर भी मैंने उसका थोड़ा कलर गया था करके फिर मैंने उसे निकाल दी मगर अभी ये वाले इसलिए ली हूँ क्योंकि अभी हम रेसिपी इसके अंदर है ना गोश्त का सालन वगैरह जब हम निकालते हैं ना आलू वाला सालन वगैरह तो इसके अंदर ना बहुत अच्छा लगता है देखिए डिश आउट करने के लिए और हम खाने के समय भी निकालेंगे तो भी अच्छा लगता है तो इस तरह की मैंने इस तरह की ये दो छोटे छोटे एक डीप वाला ली हूँ ये थोड़े कम डीप वाला ली हूँ जैसे कि इसमें हम कबाब वगैरह निकालेंगे ना
तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का बॉल ली हूँ, जैसे कि हम खिचड़ा बना दिए या जैसे कि कुछ और डिश बना दिए सूखी वगैरह, तो वो भी हम इसमें निकाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये 6 खाना खाने की प्लेट ली हूँ, इसके अंदर है ना हम लोग गोश्त का मस्त आलू वाला सालन और जवारी की रोटी और इसके ये प्लेट में डाल के खाएंगे ना तो बहुत मज़ा आता है। मैं जैसा जैसा बताती हूँ ना एक बार आप लोग ऐसा करके देखना, और कांदा फोड़ के लेना उसके साथ में, और एक हरी मिर्ची ले लेना है ना, और उसके साथ में खाना, आ हा 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 मुँह में पानी आ गया है, और मस्त एकदम चटपटा तरी वाला सालन बनाना। और जवारी की रोटी अगर नहीं मिलती है तो गेहूँ की रोटी से भी आप काम से चला सकते हैं, मगर सूखी वाली गेहूँ की रोटी, उस पर तेल मत लगाना है ना। तो ये तो मैंने आपको मेरे बर्तन ये वाले बता दी, तो इसे मैं क्या करती हूँ साइड में रख देती हूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर मैंने ली हूँ ये वाली दराती। हाँ। तो ये दराती मुझे हमेशा लगती है, जैसे कि मैं कभी भी मच्छी का सालन बनाती हूँ तो ये वाली दराती से मैं खोबरा वगैरह यहाँ से घसती हूँ, और मुझे चिकन साफ करना है या गोश्त साफ करना है तो मुझे दराती के बगैर जमता नहीं है। मेरी फेवरेट चीज़ है दराती, और इससे मैं भाजी वगैरह भी कटिंग कर लेती हूँ, प्याज वगैरह भी कटिंग कर लेती हूँ। अगर आपको देखना है कि कैसे कटिंग करती हूँ तो मुझे कमेंट में बताना, मैं बताऊँगी। उसी के साथ में यहाँ पे मैंने एक ली हूँ लोखंड की कढ़ाई, अभी कल इसे अच्छी तरह से साफ़ करना है, मैं मौसी को दूंगी कि इसे अच्छी तरह से आप साफ़ कर दो। इसके अंदर है ना बहुत सी रेसिपी बनने वाली है, इसके अंदर मैं चाइनीज़ भी बना सकती हूँ है ना, और इसके अंदर लूडर्स भी बना सकती हूँ, और इसके अंदर मैं मटन का बहुत ही अच्छा एक रेसिपी बनाने वाली हूँ। 1 से 2, 2 से 3, 4, 5 भी बन जाएगी है ना, तो ये बहुत अच्छी है। और ये वाली कढ़ाई के अंदर आप कुछ फ्राई भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ली हूँ ये वाला पैन, ये वाला पैन आपको ज़्यादा करके ना जैसे कि स्ट्रीट पे देखने मिलता है, स्ट्रीट पे देखने मिलता है, इसके अंदर आप भुर्जी बना सकते हैं, इसमें आप जैसे कि ये भी बना सकते हैं, जैसे कि सूखा गोश्त वगैरह भुना वगैरह कुछ भी बनाना है थोड़ा बहुत तो वो भी आप इसमें बना सकते हैं। इसके ऊपर भी बहुत सी रेसिपी बनती है, अगर आपको अंडा बनाना है तो अंडा भी बना सकते हैं, और जैसे कि इसके ऊपर हमें मच्छी फ्राई करनी है तो इसके ऊपर हम मच्छी फ्राई भी कर सकते हैं। ये मैंने ली हूँ इस तरह का तवा एक, इसके ऊपर जो है तंदूरी रोटी बनाना बहुत ही आसान होता है। ऐसे तो मेरे पास ओवन है, मैं ओवन में भी बना लेती हूँ, मगर मैं ये तवा इसलिए ली हूँ क्योंकि सबके पास में ओवन नहीं होता है, तो उन लोगों को दिखाना रहता है ना मुझे कि विदाउट ओवन हम कैसे तंदूरी रोटी बनाएं, तो इसलिए ये वाले तवे पे मैंने रोटी बना के बताऊंगी। ऐसे डाल देने का और फिर थोड़ी देर के बाद पलट के ऐसे ऐसे करके सेक देने का, तो रोटी चिपक जाती है। हाँ, रोटी इसके ऊपर चिपक जाती, निकलती नहीं है ना। तो ये भी बहुत हैवी है, अच्छा हैवी वाला ली हूँ मैंने यहाँ पर ये वाला तवा। उसी के साथ में मैंने यहाँ पे ये ली हूँ, इसे ग्रिल बोलते हैं, ग्रिल। तो जैसे कि अभी मेरे पास में ओवन है, मुझे ग्रिल की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी मैंने ग्रिल इसलिए ली हूँ क्योंकि जिन लोगों के पास ओवन नहीं है तो उन लोगों को जैसे कि हम बोटी वगैरह हमें कुछ भी करनी है, बोटी वगैरह सेकनी है, मसाले में भून के हो गया, उसके बाद में हमें थोड़ा, अभी मैं ओवन में बना लूँगी, ओवन में कर लूँगी, मगर गोश्त के पीस इसके ऊपर रख दीजिए आराम से, और इसके ऊपर ऐसे अलग पलट करके आप सेक सकते हैं। देखिए कितना बड़ा वाला ली हूँ, ज़्यादा हैवी नहीं है और ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं है, ये एकदम सस्ती वाली है ना। उसके बाद में यहाँ पे मैंने ये फीकी सलाई ली हूँ, पहले मेरे पास में थी तो पहली वाली जो मेरी थी ना वो बहुत ना ये वाली थी, मतलब वो इसमें भी ना अलग अलग आता है वो। हाँ। पतला वाला किसी और के। आपको बोलना है कि हमें सीक कबाब के लिए चाहिए, तो सीक कबाब के लिए बोलेंगे ना तो उन लोग हमें ऐसी मोटी वाली निकाल के देंगे। सीक कबाब की अलग आती है और तंदूरी की अलग आती है, और आसिफ काय की आती है, आसिफ पनीर की अलग आती है, और फिर चपटी सीख बनाना है तो चपटी सीख की अलग आती है। मैं चपटी सीख की नहीं ली क्योंकि मेरे से वो चपटी सीख है ना कभी भी बराबर नहीं बनती है, मैं 2-3 बार ट्राई करी थी, फिर भी एक बार कोशिश करके देखने वाली हूँ मैं। तो इसके ऊपर है ना ये मोटी मोटी सी है ना, तो इसके ऊपर ऐसे कबाब है ना अच्छे से बैठ जाएंगे टाइट। हाँ। है ना, और अभी टाइट कबाब जब हम इसके ऊपर रख देंगे तो ये हम ऐसे करके ना तवे पे भी रख सकते हैं, अगर हमें ओवन में नहीं रखना है ना तो ऐसे तवे पे हम रख सकते हैं, सिगड़ी नहीं है तो ऐसे तवे पे रख के मस्त में देखे ऐसे हमारे कबाब ऐसे ना अलग पलट करके ऐसा हम सेक सकते हैं इसे। उसके बाद में यहाँ पे मैंने ली हूँ ये बहुत बड़ा सा तवा, जो मेरी बहुत अरमान थी कि इतना बड़ा तवा मैं लूँ। अभी इसके ऊपर है ना मैं पाव भाजी भी बना सकती हूँ, इस पर मैं कीमा फ्राई भी बना सकती हूँ, इसमें भेजा मसाला भी बना सकती हूँ, इस पर गुर्दा कलेजी भी बना सकती हूँ मैं, इसमें तवा गोश्त भी बना सकती हूँ मैं, है ना, इस पर बहुत सी रेसिपी बना सकती हूँ मैं, है ना। तो ये तवा भी मेरा फेवरेट हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने ली हूँ ये 2 मैंने मिक्स करने के लिए बॉल।
जैसे कि हम कुछ भी, जैसे कि मैं बनाती हूँ ना कबाब बेबाब वगैरह बना दी ना, तो इसके अंदर रख के ऊपर से सब गार्निश करके हम सजा के ऐसे दिखा सकते हैं कबाब वगैरह के लिए। तो एक छोटा ली हूँ, एक बड़ा ली हूँ, मैंने दो ली हूँ यहाँ पर। उसके साथ में यहाँ पे मैंने तीन है ना लगन ली हूँ, इसे हम लोग लगन बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में बताना, हम लोग इसे लगन बोलते हैं। तो ये लगन ली हूँ मैंने इस तरह के ढक्कन के साथ में, ये देख सकते हैं आप लोग कितने खूबसूरत है। ये थोड़ा सा जैसे कि कुछ भी बना सकते हैं हम इसके अंदर, भाजी वगैरह बना सकते हैं, भरेला बैंगन बनाना है तो इसके अंदर रख के हम बना सकते हैं भरे हुए बैंगन, जैसे कि भिंडी की भाजी बनानी है या हमें गोश्त का सुक्का बनाना है। ये देखिए इस तरह का लगन, देखिए इसकी डिज़ाइन कितनी खूबसूरत है लगन की, और एकदम वजन है लगन ये। ये देखिए इसके ऊपर मेरा नाम लिखा है अफरोज है ना, तो ये वाला है ना ढक्कन के साथ में लियो मैंने। ये देखिए ये भी अच्छा है, इसके अंदर भी आराम से हमारा 1 किलो तक का गोश्त, 1 किलो तक का खीमा बन जाएगा, जैसे कि भरे हुए बैंगन, भरेले करेले है ना, ऐसी बहुत सी चीजें बनती है जो हम इसके अंदर खुले बर्तन में बना सकते हैं, बराबर है ना। तो ये भी हो गया हमारा। और यहाँ पर मैंने कुछ टिश्यू पेपर लिए, जो टिश्यू पेपर खत्म हो गए थे तो मॉल से लेने के लिए मुझे मिला नहीं, तो मैंने एक नीचे हॉल के लिए किचन के लिए टिश्यू पेपर ले ली मैंने, अभी इतना ही लेके आई हूँ मैंने, ज़्यादा नहीं ली। और यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट ली हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने पिस्ते ली हूँ खारे वाले, पिस्ते खारे वाले मैंने बादाम ली हूँ यहाँ पे 1/4 किलो, और खारे वाले काजू ली हूँ मैंने 1/4 किलो, यहाँ पे मैंने 1/4 किलो ये क्या बोलते हैं पेरी पेरी काजू, पेरी पेरी काजू ली हूँ, और 1/4 किलो मैंने ये कौन सा था, ये पेरी पेरी था, चीज काजू नहीं लिखा नहीं रहेगा उस पे, नहीं लिखा नहीं है, चीज काजू। यहाँ पे मैंने 1/4 किलो अंजीर ली हूँ, और यहाँ पे मैंने 1/2 किलो खजूर ली हूँ, खजूर एक नंबर है। जैसे कि हमारे घर में ईद की पार्टी है, तो एक कुर्बानी हमारी ईद के दिन हो जाएगी और एक कुर्बानी हमारी जो है वो बाकी ईद के दिन हो जाएगी है ना। और तिवासी ईद के दिन मैंने दावत रखी हूँ हमारे घर में, जैसे कि मेरी पूरी फैमिली वाले लोगों को मैं बुलाने वाली हूँ और दावत रखी हूँ है ना, तो उन लोग सब आएंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट वगैरह लेके आई हूँ कि आएंगे तो खाने पीने के लिए। और यहाँ पे मेरी सारी शॉपिंग ईद की हो चुकी है, आपकी शॉपिंग हुई है क्या नहीं हुई है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और बॉम्बे जाना, आपको एड्रेस हवासिफ ने बता दिया रहेगा, फ़ोन दिखता रहेगा। तो जैसा कि मम्मी ने आप लोग को सब चीज़ दिखा दिए, हम लोग ने कहाँ से लिए वो भी आप लोगों को दिखा दिए, एड्रेस मैंने अच्छे से समझा दिया। तो कैसा लगा आप लोग का हमारा ये ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बोलना, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अफरोज रेसिपी ब्लॉग को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना। तो फिर मिलते हैं अच्छे ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।